एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ हों। आज मैं लेकर आई हूँ फिर से एक नया वीडियो जिसमें मैं सिखाने वाली हूँ लड्डू गोपाल की ड्रेस, जो कि बचे हुए कपड़ों से हम लड्डू गोपाल की सुंदर सी ड्रेस बना सकते हैं। तो वो मैं आज के वीडियो में सिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट आप ज़रूर करें क्योंकि मैं कमेंट रीड करती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ सभी कमेंट्स को पढ़ने की। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि जो मेरी बनाई हुई ड्रेसेस हैं वो आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल पर आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे क्रोचेट, निटिंग और क्राफ्ट के, तो मेरे वीडियो को आप सर्च कीजिए और वहाँ पर मेरे वीडियो जाकर आप क्रोचेट, निटिंग और क्राफ्ट के वीडियोस आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर मैंने कुछ बचे हुए कपड़े लिए हैं जो मेरे पास बचे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं ये ले रही हूँ रेड कलर का कपड़ा और गोल्डन कलर, इन दो कलर से मैं आज की ड्रेस बनाने वाली हूँ। तो ये धोती ड्रेस है, बहुत ही सुंदर सी, बिल्कुल अलग सी मैं ड्रेस बताने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो पीसेज लिए हैं, मैं उनकी लंबाई चौड़ाई आपको बता देती हूँ कि मैंने कितनी ली है और कितने पीसेज मैंने इसमें यूज़ किए हैं। तो धोती ड्रेस है तो जाहिर सी बात है कि धोती ड्रेस के लिए हमने पार्ट्स लिए हैं। ये पार्ट्स हम चार लेंगे और लंबाई चौड़ाई मैं नाप कर आपको बताती हूँ कितनी लेनी है। देखिए जो चौड़ाई मैंने ली है धोती ड्रेस की, 4.5 इंच मैंने ली है। 7-8 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए मैं बता रही हूँ दोनों साइड से 4.5 इंच, 4.5 इंच ये इसकी लंबाई चौड़ाई है, बराबर है। और उसके बाद देखिए हमने सबसे पहले क्या करना है, इस कपड़े को हमने बराबर रख लेना है और ये वाला हिस्सा जो है कोने का उसको हम कट करके निकाल देंगे। बस थोड़ा सा हिस्सा ही हमने कट करके निकाल देना है, राउंड कट करना है इस तरह से। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो स्टिचिंग में हम उसको सही ले लेंगे। तो इस तरीके से हमने उसको कट कर देना है एक साइड से, इसको हम साइड में रख देंगे। यहाँ पर हमें सुई धागे की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पर सुई धागा रखा है। और यहाँ पर हमने एक पीस लिया है, ध्यान रहे ये पीसेज जो हैं वो चार लेने हैं, 4 पीसेज आपको लेने हैं, 1, 2, 3, 4। अब देखिए एक कपड़ा और हमने लिया है और जिसकी लंबाई है लगभग 6.5 इंच, 6.5 इंच की लंबाई है, 6 इंच भी आप ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। और चौड़ाई है 5 इंच, 5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है, तो इसको भी हम साइड में रख देंगे। अब देखिए कुछ पीस हमने लिए हैं गोल्डन कलर के, तो गोल्डन कलर के हमने ये 10 पीस लिए हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई है 10 पीस हमने लिए हैं, 3 इंच लंबा और 3 इंच ही चौड़ा, बराबर बराबर हमने लेना है दोनों साइड से। ये पीस हमने लेने हैं 10 पीसेज हमने ये लेने हैं। तो इस तरीके से हम इन पीस को ले लेंगे, साइड में रख देंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ये धोती, ठीक है। और इससे पहले मैं मुकुट के लिए भी आपको बताती हूँ, मैं मुकुट भी इसमें बनाऊँगी क्राउन, तो उसके लिए मैंने जो कपड़े लिए हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ बता देती हूँ। कितना लिया है, 7-8 नंबर के लड्डू गोपाल हैं तो लंबाई मैंने 12 इंच ली है और चौड़ाई 2.25 से थोड़ा सा भी आप ज़्यादा ले सकते हैं, एक जो ये लाइन बनी हुई है यहाँ तक आप ले सकते हैं, बट 2.5 आप लेंगे तो काफ़ी है। तो इस तरह के पीस हमने लिए हैं 1, 2 और 3, 3 पीस हमने ये लिए हैं, 3 पीस ही आपको लेने हैं। तो देखिए क्या करना है, तीनों पीसेज को हमने इस तरह से रखना है और इनको हम साइड में रख देंगे। सबसे पहले हम ये मुकुट सबसे लास्ट में बनाएंगे और सबसे पहले बनाएंगे हम इनकी धोती। तो धोती बनाने के लिए देखिए मैंने क्या किया है, मैं इसमें कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, रिबन वगैरह मैं इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेस यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लेस यूज़ कर सकते हैं आप, डेकोरेट आपको अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। आप चाहे पर्ल यूज़ करें, मोती यूज़ करें या फिर आप स्टोन यूज़ करें, आप कुछ भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, जो ये वाला एरिया है यहाँ से लेकर और यहाँ तक हम इसको स्टिच कर लेंगे, दोनों पार्ट को ही हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच कर लेना है और उसको हम सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है, इस तरह से, और सीधा भी कर लिया है। सीधा करने के बाद देखिए एक एक सिलाई हमने
यहाँ किनारे किनारे हमने एक एक बार और स्टिच कर देना है। दोनों पार्ट को हम इस तरह से स्टिच कर देंगे। तो मैं स्टिच कर देती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए स्टिचिंग हमने कर ली है। मैंने यहाँ पर डबल स्टिच कर दिया है, यहाँ भी स्टिच की है और यहाँ पर भी स्टिच की है। आप चाहे डबल स्टिच कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा सही लगा ये फिक्स हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर सेकंड स्टिचिंग भी कर दी है। अगर आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से करने के बाद अब हमें क्या करना है, जो ये हिस्सा है इस कोने को हम थोड़ा सा कट कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, जितना हमने पहले कट किया था थोड़ा सा इसको भी हम कट कर देंगे। इस तरह से कट करने के बाद अब देखिए क्या करना है, अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो प्लेट्स हमने किस तरह से डालना है, इस तरह से हमने छोटी छोटी दो प्लेट्स इधर डाल दी हैं, थर्ड प्लेट हमने इधर डालना है, फिर छोटी छोटी प्लेट्स हमने जितनी इधर डाली हैं उतनी ही इधर डालेंगे। अगर दो प्लेट्स आती हैं तो आप दो डाल लें, अगर तीन प्लेट्स आती हैं तो तीन। तो यहाँ पर आएंगी दो प्लेट्स, अगर दो प्लेट्स डालें तो थोड़ी सी बड़ी प्लेट्स डालें आप इस तरह से, और इस तरह से यहाँ पर इस तरीके से आप प्लेट्स डाल लें, इसमें दोनों में ही प्लेट्स डाल लें। तो मैं डाल लेती हूँ, उसके बाद अब मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया। मैंने यहाँ पर इसको जॉइंट को हटाया नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर जॉइंट ही लगाना है। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये हमारा उल्टा साइड है, और यहाँ से लेकर लगभग 1.5 इंच तक आप इसको स्टिच करें। ये देखिए लगभग 1.5 इंच तक, 1.5 इंच तक आप इसको स्टिच कर दें। थोड़ा सा ही स्टिच करना है, वापस यहीं तक आपको आ जाना है। देखिए स्टिच हमने कर दिया है, उसके बाद हम इसको इस तरह से देखिए, इस तरह से हमारा लुक आएगा धोती का। अब हम इसमें नेफा लगाएंगे। तो नेफा लगाने के लिए मैंने लगभग 1.5 इंच की हमने पट्टी ली है, सिर्फ 1.5 इंच की ही पट्टी लेनी है। उसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, और ये उल्टा साइड है हमारा, ये सीधा साइड है, तो उल्टी साइड में इस पट्टी को रखेंगे इस तरह से। और देखिए पट्टी थोड़ी लंबी लें, जिससे एक्स्ट्रा होगी तो वो कट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 7 इंच की पट्टी ली है, तो 7 इंच की लगभग आप पट्टी ले लें, और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच कर दें, और यहाँ पर भी आप इसको इस तरह से फोल्ड करें। पट्टी हमने स्टिच कर ली है, अब इसको हम सीधी साइड में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए सीधी साइड में, इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे और लास्ट तक इसको स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अगर आप 5-6 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए धोती बना रहे हैं तो इस पीस की जो चौड़ाई है वो आप 4 इंच लें। मैंने इसकी 5 इंच ली है, उसके लिए आप 4 इंच या 4.5 इंच ही लें। 4 इंच में भी वो आप आसानी से बन जाएगी, क्योंकि वो छोटे होते हैं तो उनकी धोती भी छोटी होनी चाहिए। छोटी धोती बिल्कुल फिक्स आएगी, तो बड़ी धोती ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल फिक्स धोती उनको ज़्यादा अच्छी लगती है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया है। अब देखिए अब क्या करना है, इसको हम साइड में रख देंगे। उसके बाद देखिए हमने जो यहाँ पर कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई थी 6.5 इंच और 6 इंच भी आप ले सकते हैं। तो देखिए इसको इस तरह से हमने फोल्ड कर लेना है इस तरह से, और यहाँ किनारे किनारे इसको स्टिच करना है। एक साइड हमने ओपन रखना है और इसको हम फोल्ड कर लेंगे। पट्टी हमने फोल्ड कर ली है, देखिए अब हमने यहाँ पर किनारे किनारे यहाँ पर एक बार स्टिचिंग और कर देनी है। देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब हमने क्या करना है, ये धोती हम इस तरह से पकड़ेंगे, ये हमारा उल्टा साइड है, ये राइट साइड है। इस साइड में हमने इसको स्टिच करना है इस तरीके से। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ही भाग हमने इसके लेना है, और डबल स्टिचिंग यहाँ पर हम कर देंगे। देखिए ये हमने स्टिचिंग कर ली है, इस तरीके से स्टिच होगी है। ये रॉन्ग साइड है हमारा, ये राइट साइड है, तो इस तरीके से ये नज़र आएगी। उसके बाद देखिए क्या करना है, हम यहाँ पर चिट बटन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं चिट बटन का यूज़ कर रही हूँ, आप वेलक्रो भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर चिट बटन यूज़ करना है। एक हम यहाँ लगाएंगे और एक यहाँ लगाकर इसको इस तरह से जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। तो मैं स्टिच कर लेती हूँ इसे, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए इस तरह से हमने जो है चिट बटन लगा लिए हैं। अगर आप 8 नंबर को पहना रहे हैं तो यहाँ पर आप डोरी आप जॉइंट कर दें, डोरी बांधने के लिए, बिकॉज़ ये लूज़ भी रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये ड्रेस नेफी के रूप में यूज़ की हुई है। इसलिए हमने यहाँ पर बड़े लड्डू गोपाल को भी पहना सकते हैं,
आठ नंबर के को, अगर आप नौ नंबर को भी बनाना चाहते हो उनको भी बना सकते हैं, उनके लिए थोड़ा सा कमर साइज़ थोड़ा चौड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर आपको दोनों किनारों पर आपको डोरी बांधनी पड़ेगी, तो आपको यहाँ डोरी ज्वाइंट कर लेनी है अगर आप थोड़े से बड़े नंबर को बना रहे हैं। तो देखिए ये तो हमारा हो गया कम्प्लीट। अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा कपड़ा और लिया है जिससे मैं बांधने के लिए डोरी बना रही हूँ। मैं कपड़े का यूज़ कर रही हूँ, मैं डोरी यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आपके पास डोरी है तो आप डोरी यूज़ कर सकते हैं। 9 इंच का मैंने कपड़ा लिया है, चौड़ाई है इसकी 1.5 इंच। तो इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और लास्ट तक फोल्ड कर लेंगे, इसको स्टिचिंग कर लेंगे इसके ऊपर। देखिए हमने डोरी स्टिच कर ली है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, दोनों को बराबर ले लेंगे। देखिए इस तरह से दोनों को बराबर कर लेना है, थोड़ा सा हम इसको इस तरह से शेप देंगे। इस तरह से शेप देने के बाद देखिए ये हमारा साइड है ऐसे, ठीक है ना। और हम इसमें इस डोरी को इस तरह से लगाएंगे, ये हमारा रॉन्ग साइड है, उल्टा साइड है। इस तरीके से हमने इसको रखना है और यहाँ पर बीच में हमने इसको स्टिच कर देना है। देखिए यहाँ पर बीच में हम इसको स्टिच कर देंगे, डबल स्टिच ज़रूर करें ताकि सिलाई जो वो निकले ना। देखिए डोरी हमने स्टिच कर दी है, अब देखिए किस तरह से पहनाना है, मैं लास्ट में ज़रूर बताऊँगी लड्डू गोपाल को पहना कर दिखा। तो चलिए अब आगे बनाते हैं। तो ये जो पीसेज हमने लिए हैं 10 पीसेज हैं ये, इनका क्या करना है देखिए, इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है, कोने से कोने मिक्स करेंगे और हम सुई धागे का यूज़ करेंगे। सुई धागे का यूज़ इस साइड से इसको इस तरह से निकालना है, सुई को इस तरह से मैं निकाल रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही आप निकालिएगा सुई को स्टार्टिंग में और एंड में। स्टार्टिंग और एंड आपको इस तरीके से करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, बाकी बीच में आप टाँके जितने छोटे बड़े ले रहे हैं वो आप ले सकते हैं छोटे या बड़े। और जो लास्ट वाला हिस्सा है ये भी इस तरीके से आना चाहिए, आगे की साइड फोल्ड होना चाहिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ये फोल्ड होना चाहिए। तो हम पाँचों पीस 5 पीस हमने एक में रखने हैं और 5 पीस अलग रखने हैं। देखिए इस तरीके से नीचे से स्टार्ट करना है, सुई को निकालना इस तरह से हल्का सा घुमाव देते हुए, हल्का सा राउंड देते हुए कोने में, और यहाँ से आप सीधा ले जाइए इसको इस तरह से। तो ये जो जितने भी पीसेज हैं हमारे पास, हमने लेने हैं 5 पीस, 5 पीस हमने इसके अंदर करने हैं। तो मैं 5 पीस इसके अंदर करके फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए पांचों पीस हमने इसमें डाल दिए हैं। अब देखिए जो कोने हमारे निकल रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर जो कोने निकल रहे हैं इनको हम कट करके अलग कर देंगे इस तरीके से, इनको कट कर देना है और इनको अलग कर देना है इस तरीके से, सीधा नज़र आएगा, बिल्कुल सीधा सीधा इसको कट कर देना है। देखिए मैंने कट कर लिया है, कट करने के बाद इसको हम इस तरह से खींच देंगे, खींचने के बाद इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और पीछे की साइड ले जाएंगे। और फर्स्ट वाला जो धागा है उसमें थोड़े से हिस्से में से हमने सुई को निकालना है इस तरह से और टाइटली इसको खींचना है इस तरह से, जिससे कि हमारा जो सारा हिस्सा है वो एक साथ जॉइंट हो जाए। और इसको हम कुछ हाथ से भी कर देंगे जिससे ये अच्छे से जॉइंट हो जाए, ये देखिए इस तरह से ये जॉइंट हो गया है। तो ये हमारा फ्लावर का शेप आ गया है। जॉइंट होने के बाद हाथ से आप इसको पकड़ लें और एक बार और इसको टाइट खींचते हुए यहाँ पर जॉइंट कर दें, इस तरह से आप जॉइंट कर देंगे तो देखिए इसकी शेप जो आगे आएगी, धागा कट कर देंगे, इसकी शेप आएगी वो इस तरीके से आएगी। और जो ये देखिए इस तरीके से आपको हाथ से इसको शेप दे देना है, तो फ्लावर हमारा ये तैयार हो जाएगा, ये फ्लावर की शेप आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से दूसरा फ्लावर भी हमने बना लेना है। तो दूसरा मैंने बना लिया है, अब हमें क्या करना है, देखिए ये हिस्सा हमें हमारा ये है, इस हिस्से पर हमने इस जगह इस फ्लावर को लगा देना है। आप इसमें कोई भी स्टोन लगा सकते हैं, मोती लगा सकते हैं, आप कुछ भी इसमें लगा सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर स्टिच कर देंगे सुई धागे से। आप चाहे ग्लू गन का यूज़ भी कर सकते हैं, फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर सकते हैं, फैब्रिक ग्लू सूखने में थोड़ा वक्त लेता है और ग्लू गन वक्त नहीं लेता है, तो आप कुछ भी इसमें यूज़ कर सकते हैं जैसा आप यूज़ करना चाहें। तो मैं यहाँ सुई धागे का यूज़ कर रही हूँ,
जो कि आसानी से हम लोग सभी के घर में होता है। देखिए ये दोनों पार्ट इस तरह से आए और इस तरह से आप इसको जॉइंट कर दीजिए। सॉरी, मैंने सुई में धागा गीता नहीं लगाया है। इस तरह से अच्छे से इसमें इसको टाँग दे। देखिए इस तरह से मैं इसको इन दोनों फ्लावर के पत्तियों को ऊपर की साइड ले रही हूँ ताकि वो फेस में ना अटके, इसलिए। और साथ ही साथ इसमें आप कुछ भी लगा सकते हैं, मोती, स्टोन, कुछ भी। तो मैं स्टोन वगैरह इसमें लगा दूंगी बाद में। तो अभी तो मैं पहले फ्लावर को टांक रही हूँ। इस तरह से स्टिच कर देने से वो फिक्स हो जाएगा अच्छे से। बाद में आप लगाएंगे उसको तो वो और भी अच्छे से यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। आप वॉश करेंगे तो वो निकलेगा नहीं। इस तरह से बैक साइड में ले जाकर इसको इस तरह से स्टिक कर देंगे। ये हिस्सा हमारा नज़र नहीं आएगा, मैं अदर धागे से आपको बता रही हूँ। आप सेम धागा यूज़ करें जिससे वो नज़र ना आए बिल्कुल भी। इस तरह से हमने इस ये लगा देना है। अब इसको हम रख देंगे साइड में। ये वाला फ्लावर हम यूज़ करेंगे इनके मुकुट में। तो पगड़ी बनाने के लिए मैं पगड़ी बनाती हूँ। मुझे पगड़ी बहुत पसंद है, इजीली बन जाती है, घर पर आसानी से उसे बना सकते हैं। तो तीन पीस हमने इसके लिए लिए थे। तीनों पीसेस को हमने इस तरह से रखना है। इस तरह से हमने तीनों पीस रखना है और इस साइड में हमने किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है लास्ट तक। तो सिर्फ एक किनारे पर स्टिचिंग करनी है, दूसरे पर हमें नहीं करनी है। देखिए स्टिच करने के बाद हमने पहला पार्ट उठाना है इस तरीके से और इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर दें। इस तरह से फोल्ड कर देना है। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, ये वाला हिस्सा भी थोड़ा सा हम अंदर लेंगे। इस तरह से मोड़ेंगे दोनों साइड से, दोनों कपड़ों को एक साथ और एक कपड़े को एक साथ, इस तरीके से। इस तरह से हमने फोल्ड करना है और यहाँ पर दोनों साइड हमने स्टिचिंग करनी है, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड हम स्टिच कर लेंगे। देखिए स्टिच हमने कर लिया है पट्टी। अब हमने इसको दोनों तरफ से बराबर रखना है इस तरह से और इसको एक बार इस तरह से फोल्ड करना है। कोने को आप इस तरह से खोल दें अच्छे से। उसके बाद इसको पीछे करना है। तो पीछे करने के बाद देखिए इस तरह से हम इसको पट्टी को जो है यहाँ पर सेट कर देंगे और पीछे हम यहाँ पर सुई धागे से स्टिचिंग कर देंगे। देखिए पगड़ी हमारी स्टिच हो गई है। अब हमें ये फ्लावर यहाँ पर टक कर देना है। यहाँ पर ग्लूगन कर दीजिए या फिर स्टिच कर दीजिए। स्टिचिंग आप ऊपर वाले हिस्से में करें केवल, जिससे कि हमारी जो पगड़ी है वो खुलने में आसानी हो, जो कि आप बड़े लड्डू गोपाल को भी आसानी से पहना सकें। तो इस तरह से हम यहाँ पर इनको स्टिच कर देंगे। बैक साइड में ले जाएं, बाद में आप पगड़ी सेट कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको सेट कर दें। देखिए इसको मैंने इस पे अटैच कर दिया है और बीच में इस तरह का मैंने बटन भी लगा दिया है। इसको हम सुई धागे से भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको सिल, पूरी हमारी जो पोशाक है वो रेडी हो गई है। अब देखिए मैं इनको पहना कर दिखाती हूँ कितने प्यारे से क्यूट सी जो ड्रेस लगती है। तो ये है मेरे 7 नंबर के लड्डू गोपाल। तो इनको हमने पहनाना किस तरीके से, देखिए ये वाला हिस्सा हम ऐसे रखेंगे लड्डू गोपाल को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और ये वाला हिस्सा हम ऐसे लाएंगे। पहले हम ये वाला हिस्सा बांध देंगे इनको बैक साइड में। हमने एक इसको इस तरीके से बांध देना है। आप चाहे डोरी थोड़ी और बड़ी अपने अकॉर्डिंग बड़ी बना सकते हैं। इस तरह से अब देखिए अब इसको हम ऐसे आगे की साइड ले जाते हुए और जो चिट बटन हमने लगाया है इस तरह से चिट बटन को हम लगा देंगे। देखिए आसानी से इनकी नेफी भी है साथ में और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमने इसमें नेफी भी बनाई है।
अब देखिए, अब हम बनाएंगे इनको मुकुट, जो कि बहुत ही प्यारा सा फिक्स आया है बिल्कुल। और इस तरह से हमारी जो ड्रेस है वो रेडी हो जाएगी। ये देखिए, बैक साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमारी नेफी भी अटैच हो गई है धोती के साथ। धोती का लुक भी बहुत प्यारा सा आया है। इस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल के लिए धोती ड्रेस घर में बना सकते हैं। और मैं इनको पहना रही हूँ ये ज्वेलरी भी, ये मैंने बनाई है खुद अपने हाथों से घर पर ही। तो आप भी बना सकते हैं, चाहे वो आप मोती से आप बना रहे हों या फिर इस तरह की चेन से। तो दोनों ही मैंने बताए हुए हैं किस तरह से उसको बनाना है। बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनकर तैयार हो जाती है, ज्वेलरी आप घर पर भी बना सकते हैं। तो ये मैंने किस तरह से बनाई है लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ज़रूर दे दूँगी, किस तरह से आपको ज्वेलरी बनानी है। और भी ड्रेसेस का मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आई होप आपको ये ड्रेस मेरी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और मेरे चैनल पर बने रहें। बाय बाय।